हरियाणा विधानसभा में एपीएमसी एक्ट को लेकर विधायकों की कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी से अब कांग्रेस के विधायक किरण चौधरी और बीवी बत्रा ने इस्तीफा दिया है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवन ने किरण चौधरी से इस पूरे मसले को लेकर खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की 8वें दिन की कार्यवाही पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस की नेता और विधायक किरण चौधरी है। मैम, आज की जो कार्यवाही थी उस कार्यवाही में सबसे पहले आपने एक प्रश्न रखा था बीपीएल परिवार से जुड़ा हुआ, उसका जवाब उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दिया था। वो कह रहे थे कि कांग्रेस तो जो गरीब है उनको गरीब ही रखना चाहती है, क्या पूरा सवाल था उनका, जवाब से संतुष्ट नहीं थे आप? पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी। सच्चाई ये है कि आज बीपीएल परिवार जो है वैसे ही जो है उनके ऊपर इतना महंगाई का प्रकोप पड़ा हुआ है, और बीपीएल परिवार कौन होता है, जो बिल्कुल ही जो है आर्थिक रूप से जो है पूरी तरह से बेचारा गरीब आदमी हो, वो बीपीएल के अंदर आता है। तो नए बीपीएल कार्ड तो ये बना नहीं रहे हैं। अब इन्होंने एक योजना और शुरू करी है कि जिससे जिसके तहत ये एक फैमिली कार्ड बना रहे हैं। अब फैमिली कार्ड का मतलब जो भी एक फैमिली के अंदर जितने भी लोग होंगे उनकी अगर आमदनी 1,80,000 रुपये से एक्सीड कर जाएगी तो उसका बीपीएल कार्ड इसका मतलब ऑटोमेटिकली कट जाएगा। अब 1,80,000 जो रुपया है, आज के दिन आप जो है अगर आप एक कूलर लगा लो और एक टीवी लगा लो या एक फ्रिज लगा लो, उसी उससे वही उसकी ज़्यादा हो जाता है। साथ की साथ जो माननीय मंत्री जी ने जो बात कही, मैं उससे बिल्कुल इससे सहमत नहीं थी कि जो है ये एक तरीका, ये एक तरकीब है, एक तरीका है, एक तो सबकी आमदनी और सबकी आय पता करने का और उनके ऊपर फिर जाल बिछाएंगे बाद में, और दूसरा जो है जो गरीब आदमी जिसको इसका सुविधा मिल रही है सोशल सिक्योरिटी की उसको ख़त्म करने का, और तीसरा उन्होंने ये बात कही कि हम ये फला करना चाहते हैं, दिखड़ा करना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि आज हर परिवार के अंदर जो है दो भाई भी अगर रह रहे हैं तो उनकी आमदनी भी जो है फैमिली कार्ड अगर एक मिला तो आमदनी इकट्ठी मिलकर होगी, तो 180 से तो ऊपर रहनी रहनी है। जिसकी 180 रुपए की आमदनी अलग से है वो तो बिल्कुल ही गरीब आदमी है, उसको भी मारना चाहते हैं। मैम, इसके साथ ही आपने जो एक हरियाणा में जो एक्ट को लेकर एक कमेटी बनाई थी, मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी उस कमेटी को बनाने की, उस कमेटी से आपने और आपके जो कांग्रेस के विधायक बीवी बत्रा उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, क्या वजह रही उससे इस्तीफा देने की? ये जो कमेटी इन्होंने बनाई, इस कमेटी का कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने अभिभाषण में स्पष्ट कह दिया कि ये तीनों कानूनों को वापस नहीं किया जाएगा, और ये तीनों कानून जो हैं वो बहुत अच्छे कानून हैं और किसान के हक के कानून हैं। जब ये बात सरकार कह दे तो फिर रह क्या गया, फिर कमेटी बनाकर उसके ऊपर जो है किसी तरह की चर्चा करना मैंने सही नहीं समझा, और इसलिए जो है उससे रिज़ाइन करा है। सच्चाई ये है कि आज जो है हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, हम सब जानते हैं 80-90 हज़ार जितना भी परसेंट जो है वो हमारे कृषि से निर्धारित है, और ये सरकार जो है अपने इख्तियार जो है पूरी तरह से उसके ऊपर हक की लड़ाई तो लड़ नहीं सकती, क्योंकि केंद्र ने हमारा हक ले लिया और केंद्र ने सरकार ये जो है कानून बनाए हैं। अच्छा होता अगर ये सरकार जो है ये कहती कि ये हरियाणा का इख्तियार है और हम इसके प्रति जो है ये कानून जो बना दिए गए हैं इनको पूरी तरह से रद्द करा जाए और ये प्रस्ताव भेजती, नहीं तो केंद्र से बात करती, वो तो बात हुई नहीं, इसलिए हमारे को रिजाइन करना पड़ा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री को आपने जो पंजाब लैंड एक्ट को लेकर एक पत्र लिखा है, वो क्या पत्र है, आपने मुख्यमंत्री से क्या मांग की है इसके जरिए? ये बहुत अहम मुद्दा है, आज हरियाणा के अंदर फॉरेस्ट कवर पूरी तरह से खत्म हो रहा है। हाँ, ये लेटर है, ये लेटर लिखा है मैंने जी। ये सीएम साहब को ये चिट्ठी मैंने लिखी है जी। ये कानून जो है कोविड टाइम में जब ये एक दिन का जब ये था ये जब था ना हमारा सेशन जी। उस समय जो है अनन फनन के अंदर ये पास कर दिया गया जी। तब से लेकर अब तक ये हमारे माननीय गवर्नर साहब के पास लंबित है, उन्होंने भी इसकी कुछ टिप्पणियां मांगी हैं। सच्चाई ये है कि ये बिल जो है ये लैंड शार्क्स जो हैं, जो ये ग्रैबर हैं लैंड, उनको जो है ये सहूलियत देगा, क्योंकि इसके अंदर इस तरह के प्रावधान सारे के सारे करे गए हैं। वैसे ही आप जानते हो हरियाणा के अंदर जो है इस तरह की जो है अनियमितता इतनी आई है, और अगर कानून बन गया तो फिर तो ये जो लैंड शार्क्स हैं, ये जो कॉलोनाइजर्स हैं, इनकी तो चांदी हो जाएगी। उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है कि आप मुझे एक तो ये बताइए कि गवर्नर साहब ने क्या क्या इस पर जो टिप्पणी करी है वो क्या पॉइंट पे करी है वो बताई जाए, और कि इस बिल के ऊपर रीथिंक करा जाए, इसको विड्रॉ करा जाए, क्योंकि ये हरियाणा के हित में नहीं है।
बहुत शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। ये हमारे साथ कांग्रेस के विधायक पूर्व मंत्री किरण चौधरी थी, जिनका ये कहना है कि जो कमेटी बनाई गई थी एपीएमसी एक्ट को लेकर उससे इसलिए इस्तीफा दिया है क्योंकि मुख्यमंत्री पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि तीनों जो कानून है वो किसान के हित में है, ऐसे में इस कमेटी का बनाए जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। साथ ही किरण चौधरी ने एक पत्र भी मुख्यमंत्री को लिखा है और पिछली बार विधानसभा में जो एक बिल आया था जो अभी फिलहाल राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए गया हुआ है उस मामले में भी ब्यौरा मांगा है कि उस बिल की फिलहाल क्या स्थिति है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।